तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कोई भी बाइक में नॉर्मल बार हैंडल्स को रिमूव करके कैसे आप क्लिप ऑन हैंडल बार्स लगा सकते हैं। इस क्लिप ऑन हैंडल बार्स के काफ़ी फायदे हैं। एक तो एग्रेसिव लुक आ जाती है बाइक में और दूसरा आपकी राइडिंग पोस्चर भी चेंज हो जाती है, जिसके वजह से आपका राइड क्वालिटी भी काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और इसको एंड तक देखिएगा पूरा प्रोसेस जानने के लिए। ये क्लिप ऑन हैंडल बार्स मैंने अपने करिश्मा के लिए अमेजन से ऑर्डर किया था। आप इसको कोई भी हीरो की बाइक में लगा सकते हैं और जिसका ऐसे सॉकेट रहेगा आप वैसे कोई दूसरी कंपनी में भी लगा सकते हैं, चाहे वो बजाज की भी क्यों ना हो। तो ये तीन पार्ट्स में आती है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इस हैंडल की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रांग है और इसमें एडजस्टिंग नट्स भी दिए गए हैं, जिसके वजह से आप अपने हिसाब से कोई भी राइडिंग पोस्चर में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा पुराना बार टाइप हैंडल बार है, तो इसमें से हम सारे कंपोनेंट्स जो भी है, चाहे इसके स्विचेस हो, चाहे क्लच के लीवर हो, चाहे डिस्क ब्रेक के लीवर हो, तो इसको हम लोग सब कोई अलग कर देंगे और हैंडल को डिटैच कर देंगे हम लोग। दोस्तों हमने पुराने हैंडल बार को डिटैच कर लिया काफ़ी आसानी से और अब हम इसके नए हैंडल बार के पहले पार्ट को हम लोग अटैच करेंगे इसमें। ये भी काफ़ी इजी है, बस प्लग एंड प्ले सिस्टम है इसमें भी। जैसे आपने निकाला सेम सॉकेट टू सॉकेट इसमें भी फिट हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड के हैंडल में, राइट साइड का जो कंपोनेंट है इसमें, जो भी हम लोग ने कंपोनेंट्स को डिटैच किया था पहले हैंडल बार से, वो सब हम लोग अटैच करेंगे इसमें। और जो इसके एक्सेलेटर केबल है उसको भी हम लोग सबसे पहले अटैच करेंगे इसके जो स्विच के बॉक्स जो है उसके अंदर, और उसके बाद स्विच के बॉक्स की असेंबली करेंगे हम लोग। और हम लोग को इसमें एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि इसके हैंडल के अंदर एक छोटा सा होल रहता है जो परफेक्ट फिट हो जाता है हम लोग के इस हैंडल में भी, तो उस होल को हम लोग अच्छे से वहाँ पे पोजीशन करेंगे ताकि जो एक्सीलेटर है वहाँ पे अच्छे से रिवॉल्व हो। जब आप लोगों ने सब कंपोनेंट्स लगा दिए हैं तो आप अच्छे से एक बार एक्सीलेटर को घुमा के देख लीजिए ताकि वो इजीली मूव करे उसमें। उसमें कोई भी जाम नहीं होना चाहिए, जाम वाला मूवमेंट नहीं होना चाहिए, अच्छे से वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करना चाहिए। सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट साइड के लिए भी अप्लाई करना है। लेफ्ट साइड का भी आप जो हैंडल है उसको उठा लीजिए और जो आप ये होल देख रहे हैं इसको भी अच्छे से आप स्विच बॉक्स में अच्छे से प्लेस करिए ताकि स्विच बॉक्स भी बाद में वहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाए, वो भी बाद में मूव ना करे इधर उधर कहीं पर। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे दोनों साइड के लीवर्स अच्छे से प्लेस हो गए हैं और जितने भी लॉकिंग नट्स थे इसके हम लोग ने सबको अच्छे से टाइट कर लिया है यहाँ पे। अब बारी आती है सिर्फ जितने लीवर्स हैं इसमें, क्लच लीवर हो गया और डिस्क ब्रेक लीवर हो गए, बस इसको हम लोग को फिक्स करना है यहाँ पे और हमारा ये हैंडल जो है वो रेडी हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी बाइक में क्लिप ऑन हैंड बार्स को लगा सकते हैं और आप किसी भी बाइक को एक एग्रेसिव स्टांस दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको और ऑटोमोटिव कंटेंट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए और अपने हर दोस्तों को दिखाते रहिए ये वीडियो।